दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम दोलन एवं तरंगे में समतल प्रगामी आवर्ती तरंग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो आज हम समतल प्रगामी आवर्ती तरंग क्या है? समतल प्रगामी आवर्ती तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा फ्लक्स तथा तीव्रता क्या होगी, इन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समतल प्रगामी आवर्ती तरंग। अब समतल प्रगामी आवर्ती तरंग क्या है? यहां पर हमने एक तरंग दर्शाई है। ये तरंग x दिशा में v वेग से गतिशील है। किसी समय t पर कण का विस्थापन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है। यहां पर ये जो a है ये तरंग का आयाम तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति है तथा v तरंग का वेग है। यदि बिंदु P पर कण की कला बिंदु O पर कण की कला के सापेक्ष फाई कला से पीछे हो तो P पर कण का विस्थापन, यहां पर हमने क्या माना है, बिंदु P पर कण की कला बिंदु O पर जो कण की कला थी उसके सापेक्ष फाई कला से पीछे है, तो इस बिंदु पर कण का विस्थापन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई। तो इस ओमेगा t को हमने ओमेगा t माइनस फाई से रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि लैम्डा दूरी पर कला परिवर्तन 2 पाई होता है, इसलिए x दूरी तय करने पर कला परिवर्तन क्या होगा, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। क्योंकि लैम्डा दूरी पर कला परिवर्तन 2 पाई, तो x दूरी पर कला परिवर्तन phi इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। क्योंकि हमने कहा है लैम्डा दूरी पर कला परिवर्तन 2 पाई, एक दूरी पर कला परिवर्तन हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा और x दूरी पर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। सो phi इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इसलिए हम इस phi को 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। सो वाई का मान ये आ गया। संचरण नियतांक या तरंग संख्या की बात करें सो वो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो इस 2 पाई बाई लैम्डा को आप के रख दो, सो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्योंकि ओमेगा कोणीय आवृत्ति है तो यदि टी आवर्तकाल हो तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड वी इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो न्यू होता है 1/T, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो इस न्यू को आप 1/T रख दो तो वी क्या आएगा, लैम्डा बाई टी। सो आप क्या करोगे, इस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रख दो एंड इस के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा रख दो। सो वाई हो गया ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब अगर हम इन दोनों में 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन लें तो वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा। यहां से 2 पाई बाई लैम्डा आपने बाहर ले लिया तो केवल एक्स बचा, और यहां पर आपने 2 पाई बाई लैम्डा बाहर लिया है जबकि यहां पर लैम्डा नहीं था, तो 2 पाई बाई लैम्डा आपने बाहर लिया है तो हमको क्या करना है, लैम्डा से गुणा और लैम्डा से भाग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी एंड लैम्डा बाई टी को हम वी रख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। अब ये जो समीकरण है ये क्या दर्शा रही है, उपरोक्त समीकरण धनात्मक x दिशा में
गतिशील समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग की समीकरण है। यदि तरंग ऋणात्मक एक्स दिशा में गतिशील हो तो यदि तरंग ऋणात्मक एक्स दिशा में गतिशील है तो मैं इस एक्स की जगह माइनस एक्स रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और अगर आप यहां पर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई लैम्डा इंटू वी टी प्लस एक्स। तो धनात्मक एक्स दिशा के लिए समीकरण हमारी ये है और ऋणात्मक एक्स दिशा के लिए समीकरण हमारी ये है। अब y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आया है और ऋणात्मक एक्स दिशा के लिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग का व्यापक समीकरण अगर हमको लिखना है तो धनात्मक एक्स दिशा के लिए ये, ऋणात्मक एक्स दिशा के लिए ये, तो मैं व्यापक समीकरण के लिए इन दोनों को जोड़ देता हूं। सो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब अगर हम इस y का समय के सापेक्ष अवकलन करें, आंशिक अवकलन करें, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस, तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका आप टी के सापेक्ष करोगे तो यहां से हमको ओमेगा मिलेगा, तो हमने ओमेगा ले लिया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ए साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड ओमेगा टी प्लस के एक्स का हो गया ओमेगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो अगर मैं वापस इसका समय के सापेक्ष अवकलन करूं तो डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू क्या हो जाएगा, कॉस का हो गया माइनस साइन, सो माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका करोगे तो हमको ओमेगा मिलेगा, तो एक ओमेगा ऑलरेडी है, एक ओमेगा और आ गया तो ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं इसका करूं तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब आप यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जैसे आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब a sin omega t minus kx plus a sin omega t plus kx y है, तो आप इसकी जगह y रख सकते हो। So ये हो गया minus omega square y. So delta 2y by delta t2 is equal to minus omega square y. अब y हमारा ये था। अगर मैं इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूं तो साइन का हो गया कॉस, तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी माइनस के एक्स का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो माइनस के आएगा, सो माइनस के ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका करोगे तो हो जाएगा प्लस के ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब हम वापस इस समीकरण का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, सो माइनस के ए और कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और वापस इसका आप करोगे तो माइनस के, तो प्लस के हो गया, सो ये क्या हो गया माइनस के ए इंटू के माइनस के स्क्वायर ए, सो माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसका करोगे तो कॉस का माइनस साइन, और यहां से आएगा के, सो माइनस के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इन दोनों में माइनस के स्क्वायर कॉमन, तो जैसे आपने माइनस के स्क्वायर कॉमन लिया ब्रैकेट में आ गया ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जो कि हमारा वाई है, तो आप इसको वाई रख दो, तो डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। सो माइनस के स्क्वायर वाई, सो डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई। सो अगर मैं यहां से वाई निकालना चाहूं तो इस माइनस के स्क्वायर को मैं नीचे ले जाता हूं, सो वाई इक्वल टू माइनस वन बाई के स्क्वायर डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू। अब डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू हमारा
माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई था। सो आप क्या करोगे, इस वाई की जगह माइनस वन अपॉन के स्क्वायर डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू रख दो। सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू। तो हमको ये समीकरण मिल गई है। नाउ डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू वी स्क्वायर डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू होता है। यहां वी तरंग का वेग है। तो अगर मैं इस समीकरण की और इस समीकरण की तुलना करूं तो यहां पर हमको तरंग का वेग क्या मिल गया, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर या फिर v इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो जो हमारी समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग समीकरण आई है उसका वेग ओमेगा अपॉन के। अब डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू था एंड डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा एक्स टू, क्योंकि वी स्क्वायर हमारा ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर है। चूंकि ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समीकरण एक दूसरे के समान हैं तथा प्रथम समीकरण चिरसम्मत तरंग समीकरण है तो ये दोनों समीकरण एक जैसी हैं। और क्योंकि ये समीकरण जो है ये चिरसम्मत तरंग समीकरण है इसका मतलब ये वाली जो समीकरण होगी ये भी चिरसम्मत तरंग समीकरण होगी, इसलिए दूसरी समीकरण भी समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग के चिरसम्मत समीकरण को निरूपित करेगी। अब ये जो समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग है इसका वेग v इक्वल टू ओमेगा बाई के है। इस प्रकार समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग का चिरसम्मत समीकरण वेग से गति करता है। तो जो हमारी समतल प्रगामी सरल आवर्ती तरंग है वो ओमेगा अपॉन के वेग से गति करती है। अगला टॉपिक है समतल प्रगामी आवर्ती तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा फ्लक्स तथा तीव्रता। तो सबसे पहले तरंग की ऊर्जा। जब प्रगामी तरंग किसी माध्यम से संचरित होती है तो यह माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण नए कणों को कंपन करने के लिए सेट करती है। तो जब प्रगामी तरंग किसी माध्यम से गुजर रही है तो माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ये जो हमारी तरंग है वो क्या करेगी, ये कण हमारा वाइब्रेट कर रहा था, ये कंपन कर रहा था, इसके पास वाले कण को भी कंपन करने के लिए प्रेरित करेगी। तो नए कणों को कंपन के लिए सेट करती है। यदि v तरंग का वेग हो तो एक सेकंड में कंपन के लिए सेट किए गए माध्यम की लंबाई इक्वल टू v, क्योंकि v हमारा वेग है और वेग क्या होता है, प्रति सेकंड तय की गई दूरी। अब हम कह रहे हैं दूरी हमको एक सेकंड में ही निकालनी है तो माध्यम की लंबाई क्या होगी, v। तो एक सेकंड में कंपन के लिए सेट किए गए माध्यम की लंबाई इक्वल टू v। इस प्रकार आने वाली तरंगों द्वारा माध्यम के कणों को सतत रूप से ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है। तो जैसे आपकी तरंग आ रही है ये तरंग अपनी ऊर्जा माध्यम के कणों को देती है तो माध्यम के कणों को सतत रूप से ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है। माना एक तरंग धनात्मक एक्स दिशा में संचरित होती है तो इसका विस्थापन क्या होगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो मैंने पहले बताया था। और अगर ऋणात्मक एक्स दिशा में संचरित होगी तो माइनस के एक्स की जगह प्लस के एक्स। कण वेग। सो अगर हमको कण वेग निकालना है क्योंकि v हमारे कण का विस्थापन है तो आप इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ए और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि साइन का हो गया कॉस और ओमेगा टी माइनस के एक्स का हो गया ओमेगा। तो कण वेग डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हमारा ये आया है कण का त्वरण। तो ये जो हमारी समीकरण आई है इसका वापस मैं टी के सापेक्ष अवकलन करता हूं। सो डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉन्स्टेंट, कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स का टी के सापेक्ष आएगा ओमेगा। तो ये ओमेगा और पहले जो ओमेगा था वो मिलकर ओमेगा स्क्वायर।
So delta 2y by delta t2 is equal to minus a omega square sin omega t minus kx. अब y हमारा ये है, तो हम इस a sin omega t minus kx को y लिख देते हैं. So delta 2y by delta t2 हो जाएगा minus omega square y. माना यह तरंग एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार क्षेत्र से गुजरती है. तो यहां पर हमारा स्रोत, यह हमने एक बेलनाकार क्षेत्र दर्शाया है, यह माध्यम का बेलनाकार क्षेत्र है, ये दूरी x और ये हमारी dx. तो यदि रो माध्यम का घनत्व हो और ये जो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने एकांक लिया है, वन लिया है, तो रो माध्यम का घनत्व है. तो माध्यम की परत का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व है द्रव्यमान अपन आयतन. सो द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व इंटू आयतन. सो एम इक्वल टू रो इंटू वी. वी का मतलब आयतन. आयतन क्या होता है, मोटाई इंटू क्षेत्रफल. अब क्षेत्रफल हमने एक बोला है, तो एक और मोटाई हमारी डीएक्स, क्योंकि आयतन है मोटाई इंटू क्षेत्रफल. क्षेत्रफल तो वन और मोटाई हमारी डीएक्स, तो v की जगह आ गया 1dx. सो m इक्वल टू रो dx. परत की गतिज ऊर्जा, अब द्रव्यमान पता है, गतिज ऊर्जा निकालते हैं. सो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, m हमारा ये है, एंड v कण का वेग, और वेग क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा t. सो परत की गतिज ऊर्जा हो गई हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो डी एक्स. एम की जगह हमने रो डी एक्स रख दिया और वी की जगह डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी. सो हाफ रो डी एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर. अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हमारा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो आप इसकी जगह ये रख दो. सो परत की गतिज ऊर्जा ई के आ जाएगा हाफ रो डी एक्स, और ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर है. सो इसका स्क्वायर कर दो. सो हाफ रो डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो हमारी परत की गतिज ऊर्जा आ गई है, परत पर कार्यरत बल. अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F इक्वल टू एम ए. ए क्या है, त्वरण, और त्वरण क्या है, डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू. एम द्रव्यमान जो कि रो डी एक्स है, एंड डेल्टा टू वाई बाई डेल्टा टी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया था, तो अब इसकी जगह यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रख दो. सो F इक्वल टू रो डी एक्स इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई. परत को इसकी माध्य स्थिति से y दूरी विस्थापित होने में किया गया कार्य परत की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और स्थितिज ऊर्जा हमारी u है. सो u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू y f dy. अब आप f की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा. सो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन जीरो टू वाई ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स वाई डी वाई. अब यहां पर ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स हमने बाहर ले लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन वाई के सापेक्ष है, और वाई का इंटीग्रेशन वाई के सापेक्ष वाई स्क्वायर बाई टू. सो ओमेगा स्क्वायर रो डी एक्स वाई स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या है, जीरो टू वाई. तो पहले y की जगह y रखोगे, फिर y की जगह 0 रखोगे, तो हमारा y स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा. सो u इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो dx इंटू y स्क्वायर बाई 2. अब y हमारा ये है, सो आप इस y की जगह ये रख दो, तो जैसे y की जगह a साइन ओमेगा t माइनस kx रखेंगे, u हो गया हाफ ओमेगा स्क्वायर रो dx ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर. अब ए स्क्वायर कर दो. सो हाफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। परत की स्थितिज ऊर्जा आ गई, परत की गतिज ऊर्जा हमने ई के निकाली थी, तो परत की कुल ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। अब गतिज ऊर्जा हमारी ये है, स्थितिज ऊर्जा ये है, तो ई के का मान आप यहां से रखो और यू का मान आप यहां से रखो। तो जैसे हम ये दोनों मान रखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाफ रो डीएक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप हाफ रो डीएक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये क्या हो जाएगा वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा वन होता है। सो परत की कुल ऊर्जा ई इक्वल टू हाफ रो डीएक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व, किसी भी तरंग का ऊर्जा घनत्व उस तरंग की प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा से परिभाषित किया जाता है। तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। अब ऊर्जा हमारी E है, आयतन V है, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात E अपॉन V हमारा ऊर्जा घनत्व U होगा। अब E हमारा ये है, तो आप इस E की जगह ये वैल्यू यहां पर रख दो और आयतन क्षेत्रफल इंटू मोटाई, क्षेत्रफल हमारा वन था, मोटाई dx, तो v की जगह वन dx। अब dx से dx कैंसिल हो जाएगा, सो ऊर्जा घनत्व स्मॉल u क्या आ गया, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा होता है टू पाई न्यू, तो आप इस ओमेगा की जगह टू पाई न्यू रख सकते हो, तो हाफ रो ए स्क्वायर टू पाई न्यू होल स्क्वायर। सो यू क्या हो गया, हाफ रो ए स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर। अब ये टू इस फोर से कैंसिल करो, सो स्मॉल यू आ गया टू पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो। सो हमारा ऊर्जा घनत्व है। इस प्रकार ऊर्जा घनत्व एक्स तथा टी पर निर्भर नहीं करता है, तो तरंग चाहे कितनी ही दूर चली जाए ऊर्जा घनत्व वही रहेगा, या किसी भी समय आप ऊर्जा घनत्व का मान निकालो मान वही रहेगा। ऊर्जा फ्लक्स या तरंग की तीव्रता, किसी तरंग की गति के लंबवत दिशा में प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा तरंग की तीव्रता कहलाती है, तथा यह तरंग के ऊर्जा फ्लक्स के बराबर होती है। तो तरंग की तीव्रता क्या होगी, किसी तरंग की गति के लंबवत दिशा में प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा, तथा तरंग की तीव्रता को ही हम तरंग का ऊर्जा फ्लक्स कहेंगे, क्योंकि तरंग की तीव्रता ऊर्जा फ्लक्स के बराबर है, यदि v तरंग का वेग हो। तो तरंग द्वारा एक सेकंड में तय दूरी 1 इंटू वी इज इक्वल टू वी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार क्षेत्र का आयतन। आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू दूरी या क्षेत्रफल इंटू मोटाई। अब एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमारा 1 और दूरी हमारी v, तो आयतन क्या हो गया स्मॉल v। तो ऊर्जा फ्लक्स फाइ इक्वल टू यू इंटू वी, यू क्या है ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व हमने ये निकाला था, तो इसको मैं आयतन से गुणा कर दूं, और आयतन क्या है स्मॉल वी, सो टू पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। ये हमारा न्यू है और ये वी है, वी तरंग का वेग और न्यू आवृत्ति। तो phi इक्वल टू टू पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, तो ये हमारे ऊर्जा फ्लक्स या तरंग की तीव्रता है। तो तरंग की तीव्रता i इक्वल टू टू पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी,
क्योंकि ऊर्जा फ्लक्स तरंग की तीव्रता के बराबर होगा, तो तरंग की तीव्रता जो आई थी वही हमारी ऊर्जा फ्लक्स भी होगी। तो यहां पर हम आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त करते हैं। गुड बाय।